पहला पुत्र लेकर के आ रहे हैं। जी महाराज। आने दो मंत्री। ठीक है महाराज। अरे भैया इस मंच को खाली कर दो, इतनी भीड़ मत लगाओ यहाँ पे, हल्के हल्के थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखो। नीचे बैठने में क्या शर्म लगती है? पहला बालक है। हे भोजराज। कहो वसुदेव। ये मेरी पहली संतान है, मैं इसे आपको स्पर्श करने आया हूं, लीजिए। अरे ये महात्यागी सच्चा सहारा अखाड़ा है, पर तात मुझे ये बतलाओ, एक मात के लोथड़े ने क्या बिगाड़ा है? निष्कारण इसको ना मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना, आठ मास गर्भ उधर से हो उसे यहाँ पर ले आओ। वसुदेव कहिए महाराज। इस बालक को ले जाओ और इसका आप सुख पाना, अगर आठ मास उधर जैसे ही पैदा हो उसे भोजराज को समर्पित कर देना। ठीक है महाराज। आज भक्तों, पहले पुत्र को दुष्ट कंस ने वापस कर दिया है, और जब देवताओं को ये बात पता चली है लौट पड़े वसुदेव, जब इसी तरह ये दया दिखाता जाए, उसके पापों का प्याला जब मथुरा नगरी में भ्रमण कर रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा, एक नया दृश्य देखा। ऐसा दृश्य देखा, भोजराज कंस ने देवकी के जो पहली संतान हुई वो वापस कर दी। हे देवताओं, कहिए देवर्षि नारद, यदि ऐसा होता रहा तो भगवान का कुछ उपाय कीजिए। हे देवर्षि नारद, इसका तो उपाय आपके पास ही है। ये वर्जी है इसी तरह
ये वज्र है इसी तरह कुछ दया दिखाता जाएगा, तो उसके पापों का प्याला सीक न भरने पाएगा। अगर कंस इसी तरह दया दिखाता गया तो उसके पापों का प्याला शीघ्र न भरने पाएगा। इसलिए मुझे मथुरा नगरी चलना चाहिए। ठीक है, मैं मथुरा नगरी के लिए जाता हूँ और कंस से कंस को समझाऊंगा, उसकी बुद्धि पलट वार्तालाप करता हूँ। नारायण 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 सिर्फ नारायण नारायण हरि हरि चिरंजीव रहो। महाराज की जय हो। अहो मंत्री। महाराज देव श्री नारद पधार रहे हैं। क्या देव श्री नारद पधार रहे हैं? जी महाराज। उन्हें आदर योग लेकर के आओ। ठीक है हमारा। देव श्री नारद को प्रणाम करता हूं। कहो देव ऋषि, कहां से भ्रमण करते हुए आ रहे हो? हे भोजराज। कहो ऋषिराज। इधर होके भ्रमण करता हुआ जा रहा था, सोचा कि महाराज से मिलते हुए चलें। देव ऋषि, और सभी देवगण तो कुशल हैं? हाँ कुशल हैं महाराज। तुम्हारी कुशल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आपकी कुशल दिखाई नहीं दे रही। वो कैसे? भोजराज। कहो देवऋषि। ओ कंस राज शत्रु को छोड़कर बैठा आनंद मनाता है, चूकता है तो तीन ठोकरे खाता है। भोजराज। हो देवसी। किसी ने सही लिखा है कि जब चतुर चूकता है तो तीन तीन ठोकरे खाता है।
हे नारद मुन, मैं कुछ समझा नहीं, आप किस चीज का संकेत कर रहे हैं? देव बाड़ी के द्वारा देवों ने प्रेमो बढ़ाया है, पर आज सात के चक्कर में हे राजन तुझे भुलाया है। देवर्षि नारद, ये कैसे समझ लिया आपने कि ये पहला है और बाद आठवां बाद में होगा? हर ये लकीर है मुझ पे, ये देखो हर एक पंक्ति आठवीं हो सकती है, हर एक पंक्ति पहली हो सकती है। देवर्षि नारद, आप कौन सी चीज का संकेत कर रहे हैं, मुझे समझाओ तो सही। भोजराज, कहो देवर्षि नारद। फूल है, इसमें देखो गिनती करो कि कौन सी पहली और कौन सी आठवीं है। देवर्षि नारद, इस कमल के पुष्प में तो आठ पंक्ति दिखाई देती है मुझे। पहली पंक्ति मैं गिनकर दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए भोजराज। देख रहा हूं, नजदीक पहुंच जाओ महाराज। और ये 20 रुपया रामबती, ये सुलेंदर की माता जी हैं, ये हमारा देवर्षि के देवर्षि नारद का रोल कर रहे हैं, इनकी माता जी हैं। और 10 रुपया कुमारी नीतू, 10 रुपया अजय यादव, 10 रुपया आदेश स्वरूप रमेश यादव, 10 रुपया निक्की धर्मपत्नी रमेश यादव, 10 रुपया राजकुमारी सुपुत्री फूल सिंह, 10 रुपया कुमारी बबीता सुपुत्री शिषपाल सिंह, 11 रुपया कुमारी पिंकी सुपुत्री गजेंद्र, 11 रुपया आकाश सनोप गजेंद्र, 11 रुपया सौरभ सनोप गजेंद्र, 10 रुपया कुमारी कुमकुम सुपुत्री श्री कल्याण सिंह दूधिया, 20 रुपया कुमारी बबीता सुपुत्री गिरधारी भगत जी, 20 रुपया राजेश सौरव कृपाल सिंह, 20 रुपया रामाशंकर सौरव कृपाल सिंह, 20 रुपया देवावती धर्मपत्नी मोर सिंह, 10 रुपया आशीष सौरव नेत्रपाल, 10 रुपया अनिल कुमार सौरव पप्पू, 50 रुपया बेदवीर, 50 रुपया बेदवीर जेसीबी ऑपरेटर, 50 रुपया बांके यादव सौरव खुशीराम सिंह, 10 रुपया अजीत सनोप चंद्रमोहन, 10 रुपया पुनीत सनोप चंद्रमोहन, 10 रुपया अजब और 10 रुपया उबियाई, 10 रुपया रामश्री, 10 रुपया रामश्री ये कुंवरपाल की माता जी हैं, और 10 रुपया शिवानी कुंवरपाल ये कुंवरपाल की भांजी होती है, 10 रुपया कुमारी लता सुपुत्री कुंवरपाल, 10 रुपया कलावती धर्मपत्नी गंगा प्रसाद, 10 रुपया पूजा धर्मपत्नी रामबहादुर भगत जी, ये सभी भक्त देवसी नारद और कंस के रोल पर खुश होकर के दान करते हैं, भगवान सदैव इनकी असुर कीर्ति बढ़ाए। बोलिए कारदेव महाराज की जय हो। भोजराज, कहो देवर्षि। हर एक पंक्ति पहली हो सकती है, हर एक पंक्ति आठवीं हो सकती है। वो कैसे? देखो ध्यान से देखो, और ये 50 रुपया पूनम देवी सुपुत्री विजयपाल पाली ये अपने कमल रूपी हाथों से भगवान के चरणों में दान करती हैं, भगवान उनकी इस कीर्ति को बढ़ाता रहे, सदैव उनके हाथ अनुच्छेद की ओर बढ़ते रहे। देखो मैं गिर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। भोजराज, कहो देवर्षि। ये आठ है और ये पहली है। हाँ, अब यहां से गिनो, 1 2 3 4
कहिए भोजराज। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बसदेव की संतानों पर आश्चर्य डाल रहे हो। देव ऋषि नारद कहिए भोजराज। बच्चे को भी समाप्त कर दूंगा। पप्पू दीवान जी एक कंस के पाठ पर खुश होकर के दान करते हैं। भगवान उनकी स्कीर्ति को बढ़ाता रहे, सदैव उनके हाथ धर्मछेद की ओर बढ़ते रहे। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब भक्तों आज इस प्रकार से भोजराज कंस दौड़ा हुआ गया और वसुदेव की गोद से बालक को छीन लिया है और उस दुष्ट ने मार दिया है। इसी प्रकार छह बच्चों का वध कर दिया है। और सातवें गर्भ की जब बारी आई है तो भगवान ने योग माया को बुलाया है कि योग माया कर माया ने दिया डाले, उधर रोहिणी के हुआ एक लाल तत्काल। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया कि मेरी योग माया जो देवकी के उधर में सातवां गर्भ है इसको खींच करके गोकुल में रोहिणी के उधर में प्रवेश कर दो। जय हो। आज भक्तों आज वो योग माया ने सातवां गर्भ खींच करके रोहिणी के उधर में प्रवेश कर दिया है। रोहिणी के द्वारा आज बलराम जी का जन्म हुआ है। बोल बलराम कृष्ण की। और अब नंबर आता है आठवें गर्भ का, जिसका हमें और आपको इंतजार है। आठवें गर्भ की